Subscribe now to receive new updates every day. पैदा होते ही जिस टी शर्ट को पहना उसी खेल में धमाल मचा रही है ये लड़की। पंजाब के मोगा की हरमनप्रीत कौर महिला वर्ल्ड कप में धमाल मचा रही हैं। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली हरमनप्रीत के पिता एक वकील के यहाँ मुंशी हैं और माँ हाउस वाइफ हैं। हरमन की बहन स्कूल में टीचर है और भाई पढ़ाई कर रहा है। इंग्लैंड में खेली जा रही महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया लगातार 4 जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 8 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में हरमन ने 4 ओवर में 2 विकेट हासिल कर टीम के लिए शानदार बॉलिंग की है। 28 साल की हरमन का जन्म 8 मार्च 1989 को मोगा में हुआ था। पिता हरमिंदर सिंह ने बताया कि हरमन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वह मेरे साथ ग्राउंड में जाती थी और वहां अकेली लड़की होती थी जो लड़कों के साथ खेलती थी। 10वीं की पढ़ाई के बाद हरमन मोगा के ज्ञान सागर स्कूल में पढ़ने के लिए गई, जहां इसे सोढ़ी ने क्रिकेट की कोचिंग दी और यह पहली बार पंजाब की टीम में चुनी गई। उसके बाद हरमन जालंधर के HMV कॉलेज में पढ़ने चली गई और वहां भी इसने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बना लिया। उसके इस मुकाम में सबसे बड़ा योगदान उसके कोच कुलदीप सिंह सोढ़ी का है। पैदा होते ही जिस टी शर्ट को पहना। हरमन की माता सतविंदर कौर और हरमन की बहन हेमजीत कौर ने बताया कि हरमन को बचपन से खेल में हमेशा आगे रही है। पिता एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते थे लेकिन वे नहीं बन सके, इसलिए जब उन्होंने देखा कि हरमन खेल में अच्छी है तो उन्होंने उसे कभी नहीं रोका। माँ ने बताया कि जिस दिन हरमन का जन्म हुआ था तो उसको जो शर्ट पहनाई गई उस शर्ट के ऊपर गुड बीटिंग प्रिंट था। हम तो यही मानते हैं कि शायद उस शर्ट का ही कोई कमाल हो जिसने हरमन को यहाँ तक पहुँचाया। हरमन से जुड़ी कुछ बातें। हरमनप्रीत कौर को हैरी के रूप में भी जाना जाता है। हरमन ने 2009 ICC विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। हरमनप्रीत ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जिला फिरोजपुर टीम के लिए ऑलराउंडर क्रिकेटर के तौर पर खेलना शुरू किया था। हरमन अब तक 73 वनडे और 68 T20 मैच खेल चुकी हैं। उनका रोल मॉडल क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे है। आगे की स्लाइड्स में देखें तस्वीरें। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.